हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एचपी गवर्नमेंट की लेटेस्ट जॉब वैकेंसीज के बारे में, जो कि सेक्टरियल एडमिनिस्ट्रेटर सर्विस वन के द्वारा ये वैकेंसीज निकाली गई हैं और जो एडवर्टाइजमेंट रिलीज हुई है वो है 29 जनवरी 2021 को ये एडवर्टाइजमेंट रिलीज हुई है। तो इस एडवर्टाइजमेंट के थ्रू जो है क्लर्क रखे जाएंगे जो कि एचपी सेक्टरियल डिपार्टमेंट में रखे जाएंगे और आपको कॉन्ट्रैक्ट बेस के ऊपर जो है अपॉइंट किया जाएगा और जो आपका एड्रेस होगा एम्प्लॉय का जहाँ पे आपको जो है अपॉइंट किया जाएगा वो है अंडर सेक्रेटरी टू दी गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश शिमला, यहाँ पे आपको जो है अपॉइंट किया जाएगा। अगर आपकी इस वैकेंसी के बारे में कोई भी फर्दर क्वेरी है तो आप इस नंबर पे कॉल करके जो है फुल डिटेल ले सकते हैं। और इसके बाद हम बात करते हैं नंबर ऑफ वैकेंसीज के बारे में, तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है 6। और देखिए अब जो पे स्केल और अलाउंस जो है वो भी काफी अच्छे है, 7,810 रुपए आपको जो है मिलेंगे कॉन्ट्रैक्ट बेस के ऊपर जहाँ आप लगेंगे। और इसके बाद नेचर ऑफ वैकेंसी, जो नेचर ऑफ वैकेंसी है वो क्लर्क है और मिनिस्ट्रियल है एंड क्लास 3 के लिए ये वैकेंसी निकाली गई है। तो टाइप ऑफ वर्क आपका रहेगा क्लर्क का, डिस्क्रिप्शन ऑफ ड्यूटी ये है आपके पास मिनिस्ट्रियल। और इसके बाद आपकी जो बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में, क्या क्या एसेंशियल क्वालिफिकेशन चाहिए, तो कैंडिडेट जो है 10th+2 पास होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से और उसके बाद उसको जो है टाइपिंग आनी चाहिए। जो टाइपिंग की स्पीड है इंग्लिश में वो 30 वर्ड पर मिनट है और हिंदी में है 25 वर्ड पर मिनट। और उसके बाद जो नेक्स्ट डिजायर क्वालिफिकेशन है वो है नॉलेज ऑफ कंप्यूटर कैंडिडेट को होनी चाहिए। और इसके बाद अदर जो डिजायरेबल पूछे वो नॉलेज ऑफ हिमाचल के कल्चर की नॉलेज को कैंडिडेट को होनी चाहिए। तो अब हम बात करते हैं इसकी एज लिमिट्स के बारे में, तो एज जो है मिनिमम एज है 18 साल और मैक्सिमम एज है 45 ईयर। और 1 जनवरी 2016 को आप या तो 18 साल के होने चाहिए या 45 साल के होने चाहिए। और एज रिलैक्सेशन एज पर द गवर्नमेंट रूल मिलेगा जो कि 5 ईयर का मिलता है SCT SC और OBC कैंडिडेट को दिया जाएगा और इसमें कोई भी कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है मेल फीमेल। तो हम बात करते हैं इसके सिलेक्शन मोड के बारे में, जो टोटल सिलेक्शन है आपकी प्रोसेस होगी 30 मार्क्स की होगी जो कि आपको दिए जाएंगे आपकी जो हायर एजुकेशन होगी उसके बेस के ऊपर, जैसे आपके 10th+2 के मार्क्स है उसके बेस के ऊपर और आपके पास अगर डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है उसकी वेटेज के ऊपर। और उसके बाद आपके पास अगर आप बैकवर्ड क्लासेस को बिलोंग करते हैं, आपके पास लेस जो है लैंड है और आप नॉन एम्प्लॉय है, BPL फैमिली से बिलोंग करते हैं, डाइवोर्सी है या सिंगल डॉटर है तो या आपके पास एक्सपीरियंस है, तो इस बेस के ऊपर जो है आपको 30 मार्क्स दिए जाएंगे। तो अब हम बात करते हैं हाउ टू अप्लाई। अप्लाई करने के लिए जो है आपको फॉर्म डाउनलोड करना पड़ेगा www.himachalnic.in पे जा करके, यहाँ से आप जो एप्लीकेशन फॉर्म को जो है अपने डाउनलोड कर सकते हैं। और उसके बाद आपने हाउ टू अप्लाई, अप्लाई करने के लिए आपको अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म है इसको फिल करने के बाद इस एड्रेस पे सेंड करना पड़ेगा जो है एड्रेस है आपका द अंडर सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश रूम नंबर 307 और HP सेक्ट्रियल शिमला, यहाँ पे आपको जो है अपने एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करके भेजना है। जो लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन है वो है 6 मार्च 2021 और जो ट्राइबल एरिया से बिलोंग करते हैं उनके लिए 15 मार्च 2021 लास्ट डेट है। और इसके बाद हम बात करते हैं जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो इस तरह से आपका होगा, यहाँ पे आपका लगेगा फोटो जो कि सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए और आपकी टाइप ऑफ डिसेबिलिटी आप यहाँ पे लिखेंगे जो भी आपकी डिसेबिलिटी होगी और नेम ऑफ एप्लीकेंट, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ और परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी यहाँ पे लिखेंगे और नेम ऑफ इशू अथॉरिटी, किसने आपका जो है ये डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट जो है आपका इशू किया है और यहाँ पे आप कैटेगरी डालेंगे और आपने जो भी आपके रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स होंगे वो आप इसके साथ अटैच करके जो है अपने फॉर्म को सेंड कर देंगे। तो आई होप आपको पूरी प्रोसेस जो अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आपको पूरी प्रोसेस अच्छे से समझ आ गई है तो प्लीज हमारी वीडियो को एक लाइक कर दें, शेयर कर दें और प्लीज कमेंट जरूर करें, आपकी जो भी क्वेरी होगी मैं आपका जरूर जवाब दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।